हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। आज की हमारी रेसिपी है हेजल बेक पोटैटोस। ये बेक पोटैटो इन्फ्यूज्ड ऑयल के साथ में बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चीजी लगते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और इसके लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ हमने इस तरह के मीडियम आलू लिए हैं जिन्हें अच्छे से धो लिया है। इनकी स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अब इन्हें कट करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह का एक वुडन स्पून लिया है जिसकी थिकनेस करीब 1/2 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। स्पून और आलू को इस तरह से रख देते हैं, मतलब कि पास पास, और बाकी आलू साइड में रख लेंगे। अब नाइफ से हम आलू को इस तरह से स्लाइस करेंगे जब तक कि वो स्पून को टच ना करे। इसे हमें पूरी तरह से दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, इसे स्किन से नीचे कनेक्ट रखना है। जितनी स्पून की थिकनेस होगी उतना पोर्शन नीचे आलू का बच जाएगा। देखिए इस तरह से ये पूरी तरह इसे कट नहीं होने देगा। इसकी थिन थिन स्लाइस करनी है हमें। जितना स्पून की थिकनेस है उतना ही हमें आलू को डीप तक कट करना है। इसी तरह से हम बाकी सभी स्लाइसेस भी इसकी कट कर लेते हैं। हेजल बेक मतलब हम जिसमें आलू या कोई भी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल की थिन थिन स्लाइसेस करते हैं बिना उन्हें पूरी तरह से अलग किए हुए। ये बेसिकली लेयर्स में एडिशनल स्टफिंग और फ्लेवरिंग ऐड करने के लिए किया जाता है। आप इसके अंदर बहुत सारे चीज़ की स्टफिंग कर सकते हैं जिससे कि चीज़ और फ्लेवरिंग मेल्ट होकर बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। देखिए हमने आलू की इस तरह से स्लाइसेस कर ली है। अब बचे हुए आलू की भी हम इसी तरह से स्लाइस कर लेते हैं। स्पून या जो भी हम साटे स्टिक लेते हैं समटाइम्स बारबेक्यू करने के लिए, आप उन्हें रख के भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। देखिए ये रेडी है। बहुत अच्छे से ये इक्वल थिन लेयर्स में कट करा है। चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं और बाकी सभी आलू भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। ये हेजल बेक पोटैटो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये सुपर टेस्टी लगते हैं। आप इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए पोटैटो को हमने अच्छे से हेजल बेक मतलब कि थिन लेयर्स में कट करके रेडी कर लिया है। बहुत ही इक्वल लेयर्स हैं और सेम टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये पीछे की तरफ से बिल्कुल भी कट नहीं हुई है, मतलब ये इन्हें बांधे रखेगा। चलिए अब पोटैटो तो रेडी है, हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ ली है फ्रेश बेजिल लीव। ये खाने में बहुत ही फ्रेश और लाइट फ्लेवर्स ऐड करती हैं। बेजिल लीव्स को हम स्टेम से अलग कर लेते हैं और इन्हें हम फाइनली चॉप कर लेंगे। आप कोई भी अवेलेबल फ्रेश हर्ब जैसे कि थाइम, बेजिल या रोजमेरी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इनसे खाने में फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाते हैं। बट अगर कोई भी फ्रेश हर्ब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट में इजीली अवेलेबल इनके ड्राइड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम हमारे पास घर पे इजीली पास्ता मिक्स अवेलेबल होता है तो पास्ता मिक्स में भी ये सभी सीजनिंग इनके ड्राइड फॉर्म में एडिड होती है, तो आप यहाँ पर सिंपली पास्ता की सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये इन्हीं सारी हर्ब्स का मिक्स होता है। देखिए कितना फाइनली चॉप करके हमने बेजिल लीव को रेडी कर लिया है। चलिए अब इसके लिए बटर रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर करीब 3 टेबलस्पून बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो हीट पे सेट करा है। इसमें करीब 3 से 4 स्पून हम ऑलिव ऑयल ऐड कर लेते हैं। हमें ऑयल को गर्म नहीं करना है, जब तक कि बटर हल्का सा मेल्ट ना हो जाए तब तक ही गर्म करना है। इसमें 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमें लहसुन को ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज़ करना है, तो धीरे धीरे जैसे ऑयल गर्म होगा वैसे ही ये लहसुन भी इसमें गर्म होगी, जिससे इसके नेचुरल फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए हल्का सा बबल दिखने लग गया है। इस पॉइंट पे हम इसमें कटी हुई बेजिल लीव्स भी ऐड कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पे ही इन्हें हमें कुक करना है करीब 1/2 मिनट के लिए। यहाँ पर लहसुन को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, इससे ऑयल में और बटर में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हम यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई थाइम लीव्स यूज़ कर लेते हैं। थाइम से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास थाइम अवेलेबल नहीं है तो इस मोमेंट पे आप कोई भी पास्ता मिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं।
थोड़े से चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर लेते हैं, करीब हाफ टी स्पून, और इन्हें इसी तरह से सिजल होने देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करीब आधे मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम होने से बटर और लहसुन दोनों जल सकते हैं, तो इसकी सारी कुकिंग जो है वो हम लो फ्लेम पे ही करेंगे। देखिए ऑयल रेडी है, गैस ऑफ करके इसे साइड में ले लेते हैं। हमने यहाँ पर इस तरह का एक लाइंड बेकिंग टिन लिया है, जो इन्फ्यूज करा हुआ बटर मिक्स ऑयल हमने रेडी करा है उसे हम पोटैटो पे अच्छे से ब्रश करके इसमें बेक करेंगे। तो चलिए हम पोटैटो ले लेते हैं। इसकी हर एक लेयर में अच्छे से हमें इस इन्फ्यूज करे हुए ऑयल को फिल करना है। इसकी सभी लेयर्स के अंदर तक हम फ्रेश गार्लिक और हर्ब के मिक्स को ब्रश कर लेंगे। इसकी सभी लेयर्स में ये फ्लेवरिंग जानी चाहिए। लेयर्स में फ्लेवरिंग जाने से इसकी बेकिंग प्रोसेस में सभी लेयर वेल सीजन बेक होती है। देखिए अच्छे से हमने आलू की हर एक लेयर में इसे अच्छे से सीजन कर लिया है। ये रेडी है। अब बाकी बचे हुए आलूओं को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेते हैं। आलू को हल्के हाथ से हर एक लेयर इस तरह से अलग करते हुए इसमें इन्फ्यूज बटर मिक्स ब्रश करना है, बट हमें केयरफुली करना है जिससे कि इनकी लेयर्स नीचे से अलग ना हो जाए। देखिए सभी आलू हमने रेडी कर लिए हैं और इस बचे हुए बटर मिक्स को हम अलग रख देंगे, जिसे हम सर्विंग के टाइम यूज़ लेंगे। आलू की हर एक लेयर में देखिए अच्छे से बटर हर्ब मिक्स ब्रश कर लिया है। इसे हम बेक करेंगे। जो भी नीचे ऑयल बचा हुआ है उसे बीच बीच में हम आलू पे ब्रश करेंगे, जिससे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे और साथ ही ये वेल सीजन रहे। इस पे थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेते हैं। आप थोड़ा सा सॉल्ट इन्फ्यूज ऑयल में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर भी इस पे स्प्रिंकल कर लेते हैं। कुछ चिली फ्लेक्स इन पे स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब ये हेजल बेक पोटैटो जाएंगे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पर बेक होने अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट के लिए, या जब तक ये गोल्डन बेक ना हो जाए। देखिए 40 मिनट के बाद काफी सॉफ्ट और हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। चलिए हमने लिया है यहाँ पर पार्मेजान चीज, इसे ग्रेट कर लिया है। आप प्रोसेस चीज, शेडार चीज या कोई भी मोजरेला चीज़ यूज़ ले सकते हैं, जो भी इजीली अवेलेबल है आप वो यहाँ पर यूज़ ले लें। पोटैटो की हर एक लेयर के बीच में हम ये चीज़ को अच्छे से फिल कर लेंगे। ये चीज़ और बटर मिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम लगता है और आप इसे मील के साथ में या चाय टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं। आलू की हर एक लेयर के बीच में हमें चीज़ को अच्छे से स्टफ़ करना है। जितना आपको चीज़ पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। ये रेडी है। ये चीज़ फिल्ड हेजल बेक पोटैटो जाएंगे ओवन में 10 मिनट के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर पे बेक होने। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर तक इनकी लेयर बेक हो गई है, साथ ही इनके बीच में जो पार्मेजान चीज़ की फिलिंग थी वो भी अच्छे से सेट हो गई है। चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। बेकिंग टिन में जो बचा हुआ फ्लेवरफुल बटर है उसे भी इन पे पोर कर लेते हैं। हमने जो थोड़ा सा बटर मिक्स साइड में सेव किया था वो भी एक एक स्पून फुल इस पे पोर कर लेते हैं। इनसे टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। बहुत सारे चीज से इसे गार्निश कर लेते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेते हैं। हमारे हेजल बेक पोटैटोज बिल्कुल रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हम ऐसी ही और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।